कमल नयन, किस सोच में डूबे हैं आप? कुछ नहीं महादेवी, सोच रहा था कि ये परंपरा होती क्या है, किस वस्तु का नाम है परंपरा। हे कमल नयन, आप ही तो शब्दों के रचयिता हैं, भाषा के स्रोत हैं, आपके सामने मैं क्या मुंह खोलूं? पर आपने पूछा है तो अतीत से अपना नाता जोड़े रखने का नाम है परंपरा। वाह, धन्य हैं आप महादेवी, परंपरा की इतनी सरल और सुंदर परिभाषा असंभव है, धन्य हैं आप। धन्यवाद कमल नयन। ये सत्य है कि हर पीढ़ी ये देखती है कि उससे पहले की पीढ़ी ने जो कुछ किया उसमें कौन से कार्य सुंदर थे, वो उनका अनुसरण करती है और यही परंपरा कहलाती है। आपने सत्य कहा महादेवी, सर्वथा सत्य कहा। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब वो सुंदर परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं और आगे चलती भी रहनी चाहिए। परंतु हे महादेवी, क्या परंपराएं टूट नहीं सकती, बदल नहीं सकती? क्यों नहीं? हे कमल नयन, मानव जाति को चाहिए कि हर युग में समय की कसौटी पर परंपराओं को कसती रहे और उसके अनुसार उनमें परिवर्तन करती रहे, क्योंकि परंपराओं को आडंबर में बदलते देर नहीं लगती। एक पीढ़ी की परंपरा दूसरी पीढ़ी के लिए कष्ट का कारण भी बन सकती है। आप सत्य में धन्य है महादेवी। आप तो कह रही थी कि सारे शब्दों का स्रोत मैं हूं, परंतु आपके इन सुंदर शब्दों ने मेरी सारी उलझन दूर कर दी। कैसे? क्योंकि मेरे अंश अवतार ने ऋषि जमदग्नि की परंपरा को तोड़ दिया है। पर महादेवी, अब आपके वचन सुनने के उपरांत मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरा अंश अवतार जो कर रहा है ठीक कर रहा है। महादेवी, परंपरा का आदर करना एक बात और परंपरा से चिपके रहना दूसरी बात। मेरा अंश अवतार परंपरा से चिपके रहने को नकार रहा है।